हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम छोटा सा पाउच बनाएंगे। कपड़े की लंबाई मैंने 14 इंच रखी है और चौड़ाई लगभग 12 इंच है। नीचे लाइनिंग, बीच में फोम, इस पे हमें सिलाई चला कपड़े पर सिलाई चलाकर मैंने इसे क्यूल्ट कर लिया है। अब हम इस कपड़े की कटिंग करेंगे। बीच से एक बार फोल्ड करिए, फिर एक बार फोल्ड करिए, दो बार हमें फोल्ड करना है। अब हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। डेढ़ इंच हमें लंबाई में लेना है और साइड से भी हमें 1.5 इंच ही लेना है। इस तरह हमें मार्क कर लेना है 1.5 इंच का। अब ऊपर से थोड़ा सा छोड़ते हुए हमें गोलाई देनी है। इस तरीके से हम गोलाई देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले एक साइड की कटिंग कर लेते हैं, फिर दूसरे साइड की हम कटिंग करेंगे। कपड़े को इस तरह से लंबाई में खोलकर मार्क कर लेंगे और उसके बाद हम दूसरे साइड की भी आसानी से कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत छोटे कपड़े के टुकड़े से हम ये बैग बना रहे हैं और बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। बस इसकी कटिंग कर लेंगे और सिलाई करने के बाद बैग रेडी हो जाएगा। कटिंग हमारी पूरी हो गई है। ये बैग हमें इस तरीके से बनाना है। बीच से हमें फोल्ड करना है और जहाँ हमने 1.5 इंच पे मार्क किया था उसके बाद से हमें नाप लेना है। मेजरमेंट ले लेंगे पूरी गोलाई में। यहाँ तक 15 इंच आ रहा है, तो 15 इंच से थोड़ा ज़्यादा हम 15.5 इंच या 16 इंच की स्ट्रिप काटेंगे। और ये 3 इंच है, तो 3 इंच की ही हमें चौड़ाई में स्ट्रिप चाहिए। बीच से मैंने मार्क कर लिया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। इसमें हमें जिप लगाना है। जिप को कपड़े के ऊपर रखिए और सिलाई कर लीजिए। एक साइड मैंने जिप लगा ली है, अब दूसरी साइड हमें जिप लगाना है। तो जिप को उल्टा करके जो हमने कपड़े का पीस काटा था, स्ट्रिप का पीस काटा था, उसके ऊपर हमें रखना है और सिलाई कर लेनी है। दोनों साइड जिप लगाने के बाद मैंने ऊपर से टॉप स्टिच चला ली है। अब हम एक कपड़े का एक छोटा सा पीस लेंगे। करीब ये 3 इंच चौड़ा है और 7 इंच लंबा है। इसको बीच से फोल्ड करके सिलाई करेंगे। स्ट्रिप को सिलने के बाद मैंने इसे बीच से फोल्ड किया है और कट कर लिया है। इसे बीच से फोल्ड करके हमें दोनों किनारे पर लगाना है। इस तरीके से जब स्ट्रिप को सिलाई करेंगे तो ये हम अंदर की तरफ रखते हुए सिलेंगे। एक साइड स्ट्रिप को मैंने सिल लिया है और दूसरे साइड हमें इस तरीके से स्ट्रिप को रखकर सिलाई कर लेनी है। दोनों साइड मैंने स्ट्रिप को सिल लिया है। अब हमें इस तरीके से सिलाई करनी है। यहाँ से सिलाई करते जाएंगे और दूसरे किनारे तक सिलाई कर लेंगे। एक साइड मैंने सिलाई कर ली है, देखिए इस साइड से सिलाई हो गई है। अब बीच से हम जिप को खोल लेंगे और दूसरे साइड भी हमें इसी तरीके से सिलाई कर लेनी है। दूसरी तरफ भी मैंने सिलाई कर ली है और ये पूरा हो गया है। अगर आप चाहे तो अंदर सिलाई में पाइपिंग लगा सकते हैं या फिर अंदर से उसे ट्रिम कर सकते हैं। पाउच बन गया है। ऊपर से एक बार हम सिलाई कर लेंगे, टॉप स्टिच चला लेंगे। तो देखिए पाउच पूरा हो गया। छोटी छोटी चीज़ों को रखने के लिए, पेन पेंसिल रखने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं या फिर मेकअप पाउच के रूप में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।